सो थोड़ा सा जो रह गया है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट ऑफ। वो यही है कि जो मैंने बोला कि साइट बिल्डिंग और साइट स्ट्रक्चर से रिलेटेड आखिरी 5% या 2% कंटेंट रह गए, वो मैं चाह रहा हूँ कि वो मेरे हाथ में प्लगइन लग जाए, जो कि बेसिकली इट्स पेड प्लगइन। आई डोंट माइंड पेइंग फॉर इट, बट इफ ईसी कैन डू इट ऑन माय बिहाफ दैट वुड बी समथिंग, बिकॉज वो देन बाकी इट्स समथिंग लाइक कि वो ईसी की प्रॉपर्टी होगी, एंड देन कल को अगर कोई मेरी जगह लेता है या कल कोई और आता है तो ही कैन री यूज इट टू डिस्प्ले हाउ थिंग्स डेमोन्स्ट्रेट हाउ थिंग्स आर डन। इट्स द नेम ऑफ द प्लग इन इज थ्राइव कॉन्टेंट बिल्डर, बट एंड आई हैव यूज इट, बट सिंस अभी मेरे पास नहीं है तो आई कैन नॉट टेल यू हाउ इट्स डन। बट वो बहुत थोड़ा सा कॉन्टेंट है जो मुझे दिखाना है, नहीं तो वैसे आज साइट का कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ, एंड देन वी विल ओनली टॉक अबाउट एसईओ बेसिकली, ठीक है? और देन मीनवाइल, बिकॉज एसईओ इज एन ऑनगोइंग थिंग, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ, तुम लोग अपना कंटेंट बनवाना स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज एज आई सेड कि कंटेंट और वेबसाइट पब्लिश होने की जो बात है, कोशिश करो वेबसाइट तब पब्लिश हो जब तुम लोग के पास हाथ में कम से कम तुम लोग के पास अपने कंटेनर में एटलीस्ट 15 से 20 25 कंटेंट रेडी हो। कुछ लोगों के क्या पता हो भी, लेकिन जिनके नहीं है वो इस चीज को माइंड में बस रख लें कि उनको इस तरफ फोकस करना होगा कि इससे पहले कि वो लाइव जाए और वो ये सोचे कि नहीं वी आर वेटिंग फॉर द होल कंटेंट टू फिनिश ऑफ, ना आई वुड टेल यू टू गेट योर आर्टिकल्स रेडी बिफोर वी गो लाइव, बिकॉज ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ इज एन ऑन गोइंग थिंग और वो चीज इम्प्रूव होती रहती है विद टाइम। सो वी आर डन एंड ओवर विद विद मोस्ट ऑफ द कॉन्टेंट ओवर हेयर। द ओनली पार्ट विच इज ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल सेशन ऑफ एमेजॉन एफिलिएट इज बेसिकली एसईओ। हम लोगों ने बहुत कुछ बातें एसईओ के ऊपर करी हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके अलावा फिर मेजर मेजर और काफी सारी रह गई हैं, वो मैं फिर इसके बाद के सेशन में, जो कि नेक्स्ट जो कि इस मंथ के सेशंस में जो आएंगे सिर्फ इससे, उसमें कवर अप करूंगा। एक सेकंड के लिए मैसेजेस पढ़ लूँ। अच्छा, क्वेश्चन आंसर शीट मिल गई आप लोगों को? ओ यस, आई एम सॉरी, मुझे 11:05 याद पड़ा था, माई बैड। तो आई होप देस, मैंने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी शेयर नहीं करी बाय द वे, मैंने अभी लेक्चर स्टार्ट नहीं करा है, मैं सब ये बताया कि इस लेक्चर में मैं क्या चीज़ नहीं कवर कर रहा हूँगा, जो कि मेरे पास अभी वो चीज है नहीं। ओके, थैंक यू तलाल। स्लाइड्स भी मैंने अपडेट कर दी हैं तुम लोग के पार्ट में, तो वो ले लो। तो लास्ट टाइम मैंने साइट मैप के ऊपर बात करी थी, और मैंने बताया था कि एक्सएमएल साइट मैप्स जो होते हैं वो बहुत इजीली फेच हो जाते हैं और गूगल फ्रेंडली होते हैं वो। तो इंस्टेड ऑफ HTML साइट मैप्स, वी विल बी फोकस ऑन XML, वी विल बी फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग XML साइट मैप्स। एंड टू डू दिस एक्चुअली आई केम टू नो अ फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर। मुझे एक तो अरसलान ने भी स्क्रीनशॉट्स दे दिए थे, द योस्ट वेयर इज इट, योस्ट SEO जो है, इसमें पहले यहाँ पे हमारे पास साइट मैप का ऑप्शन होता था, लेकिन उन्होंने हटा दिया बेसिकली। दे मैंने ये बात लास्ट टाइम क्लेम करी थी कि ये लोग जो है बेसिकली कुछ चीजें जो हैं ये लोग बेसिकली उस पे ले गए, प्रीमियम पे ले गए, विच इज एक्चुअली द फैक्ट, लेकिन साइट मैप कंप्लीटली नहीं लेके गए, साइट मैप का कुछ हिस्सा लेके गए हैं। साइट मैप इफ यू गो इन टू SEO यू हैव टू गो इन टू फीचर्स, एंड आई हैव ऑल्सो मेंशन दैट, वन सेकेंड ओवर हेयर, ठीक है? गो इन टू SEO सेक्शन, फिर जनरल पे क्लिक करो, जनरल पे क्लिक करने के बाद फीचर्स पे क्लिक करो, फीचर्स पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन एंड यू विल सी XML साइट मैप्स इन विच इज ऑन ऑलरेडी। नाउ हियर इज द थिंग, पहले ऐसे नहीं होता था, इनके पास प्रॉपर साइट मैप का यहाँ पे टैब होता था और उसके अंदर जाते थे तो साइट मैप से रिलेटेड यहाँ पे सारे टैब्स खुलते थे और उससे रिलेटेड बहुत डिटेल चीजें खुलती थी, विच आर नॉट पार्ट ऑफ दिस एनी मोर। आई एम गेसिंग दैट दे हैव टेकन
basically I think they're featuring all those things in the premium version, which is the paid version, and I wouldn't recommend that. Though अगर तुम लोग, मैं तुम लोग को बताऊंगा कि अगर तुम लोग की साइट अच्छी परफॉर्म करना शुरू कर देती है पहले 2 महीने में 3 महीने में और तुम लोग खुश होना शुरू हो जाते हो, देन आई वुड से कि इसका प्रीमियम ले लो, बिकॉज इसके अंदर कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं जो कि जिससे तुम लोग काफी चीजें की चीजों का एडवांटेज ले सकते हो. बट सिंस आई डोंट हैव द एक्सेस, आई रियली कांट शो यू कि क्या चीजें हैं, बट आई नो व्हाट थिंग्स आर देयर बिकॉज आई हैव एक्चुअली यूज्ड इट, बिकॉज वो पहले प्रीमियम में नहीं होती थी. ठीक. सो अब साइट मैप्स का मैं तुम लोग का पर्पस बता दिया था, क्रॉल आराम से होता है तुम लोग का कॉन्टेंट. जितने भी एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं और इंटरनल लिंकिंग होती है तुम्हारी वेबसाइट की, तुम्हारी वेबसाइट मैंने तुम लोग को बताया था कि इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स होना जरूरी है, और ये पूरा स्ट्रक्चर जब तुम लोग का बनता है तो ये गूगल को बहुत पसंद है. हाउएवर एट द सेम टाइम आपको ये इंफॉर्मेशन गूगल को सही स्ट्रक्चर्ड वे में पहुंचानी होती है, एंड दैट इज बेसिकली इफ यू हैव द साइट मैप्स ऑन. अब मैंने तुम लोग को बता दिया कि बाय डिफॉल्ट तुम लोग के पास, जब तुम लोग पहले ये ऑफ होता था बाय डिफॉल्ट, और हम लोग को योस्ट एसईओ में जाके इसको ऑन करना पड़ता था. बाय डिफॉल्ट जब आप प्लगइन इंस्टॉल करते हो योस्ट एसईओ का, तो आप लोग के पास एक्सएमएल साइट मैप्स अब ऑन होते हैं. और अगर आपको अपने साइट मैप देखने हो कि किस तरह बने हुए हैं, तो इसके ऊपर अगर आप क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्लिक करोगे, पहले ऐसे नहीं होता था, गेट अगेन Enable the XML sitemaps Yoast SEO generates, बिल्कुल ठीक है. और यहां पर अगर आप आए, guys, एक मिनट रुकना. Yeah. अगर आप यहां पर आए सीधा XML sitemap और इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, तो यह आपको आपका पूरा साइट मैप दिखा देगा. मैं थोड़ा सा इसके ऊपर जूम इन कर लेता हूं ताकि तुम लोग को नजर आ जाए. This is how it looks. जब आप अपनी साइट शुरू करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपके ये चार, पहले ये तीन होते थे. ये ऑथर का साइट मैप नहीं बनाता था. ऑथर आप यूजली साइट मैप आप, अच्छा जो फीचर्ड इसका वर्जन है ना, फीचर्ड वर्जन है, इनफैक्ट आई वुड से प्रीमियम वर्जन जो है, उसमें आप इन चीजों को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो. ये बता सकते हो कि ऑथर को साइट मैप में डालो या नहीं डालो. यूजली लोग तब डालते हैं ऑथर को साइट मैप में जब आपके पास ऑथर ज्यादा हो, एक से ज्यादा ऑथर हो आपके पास. अगर आप एक ही ऑथर है आपके पास तो आप इसको ऑफ कर सकते हो. हाउएवर ये ऑप्शन अब यहां पर नहीं है, तो आपको व्हिच आई थिंक इज कि अगर आपको ये साइट मैप से हटाना है, एंड व्हिच इज नॉट लाइक ओ माय गॉड मैंने ये नहीं हटाया, मेरे तो एसईओ मेरा स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन इन केस अगर आपको हटाना है तो आई थिंक यू हैव टू ऑप्ट इन फॉर द प्रीमियम वर्जन. हमारे पास पहले सिर्फ ये तीन होते थे. बाय डिफॉल्ट जब आप नई वेबसाइट बना रहे होते हो तो आपके पास ये तीन ऑफ ऑन होते हैं, पोस्ट साइट मैप, पेजेस साइट मैप एंड कैटेगरी साइट मैप. और जिस तरह मैं आप तुम लोगों को बताता हूं, यही सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं आपकी वेबसाइट के. सो इफ आई टॉक अबाउट पोस्ट साइट मैप, दिस इज लाइक साइलोज. मतलब जैसे मैं तुम लोगों को साइलो आर्किटेक्चर की एग्जांपल दी ना, ये एक तरह के, समझो कि एक तरह के साइलोज है. पोस्ट साइट मैप पे जाऊंगा तो मेरे पोस्ट आ जाएगा, और जितने भी पोस्ट आएंगे अंडर द पोस्ट साइट मैप वो सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएंगे. इसी तरह पेज साइट मैप के ऊपर जाऊंगा तो मेरे जितने भी बने हुए हैं अबाउट अस, पेज थ्री, कॉन्टेक्ट अस, वो सब आ जाएंगे. ठीक है. सो दिस इज हाउ इट इज, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट इफ यू गोइंग फॉर एफिलिएट ऑब्वियसली. ठीक है. सो दैट्स जस्ट अबाउट इट. अगर ये ऑप्शन मेरे पास मजीद खुला हुआ होता तो मैं और तुम लोग से डिटेल में इस बारे में बात कर लेता. जर्नल सेटिंग्स चेंज द वेबसाइट टाइटल, सही है. सो बहुत छोटी सी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बहुत सारे लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, और जैसे H1 हेडिंग्स जो हैं वो इटसेल्फ SEO में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. जैसे जब आप कोई कंटेंट लिखने जाते हो तो आप लोग की H1 H2 हेडिंग्स होती हैं, और फिर कंटेंट आपके H1 हेडिंग के अंडर जो कंटेंट आ रहा होता है वो सब इम्पोर्टेंट होता है. उसी तरह उतना ही इम्पोर्टेंट आपका साइट का टाइटल और टैगलाइन होता है. तो एक चीज जो कॉमन है, जो सबसे आसान अल्फाजों में अगर मैं तुम लोग को बताऊं कि तुम लोग को अपना मेन कीवर्ड अपने साइट टाइटल और टैगलाइन में ऐड करना जरूरी है. वेयर टू फाइंड इट, जस्ट गो इन टू जनरल सेटिंग्स, जनरल, एंड दिस इज
where you would see it. ठीक है, तो आई वुड रिनेम दिस टू द सेम थिंग जो मैंने यहां पे करा हुआ है, द बेस्ट मैट्रिक्स साइट. एंड एज यू कैन सी टॉप लेफ्ट पे भी यहां पे चेंज हो रहा है. और यहां पे मैं लिख दूंगा फाइंड द बेस्ट मैट्रिसेस ऑनलाइन एंड दैट्स इट. ठीक है, बाकी अगर आप नीचे स्क्रॉल करो तो ये वर्डप्रेस का एड्रेस है, ये छोड़ दो क्योंकि ये मैंने सब डोमेन बनाया हुआ था और मैं टेस्टिंग वगैरह कर रहा था, तो ये इस तरह चाइनीज लिखा हुआ आ रहा है. तुम लोग के पास कुछ ऐसा आएगा, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोग को, पहले मैं इसको HTTP, यहाँ पे तुम लोग www ऐड कर सकते हो और चाहो तो हटा भी सकते हो. अब ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, देयर इज नो साइंस बिहाइंड इट. अगर आप ये सोचो कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका SEO के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा या रैंकिंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसका कोई भी चक्कर नहीं है. आप अपनी साइट जो है, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आ रही docs.google.com. अब अगर आप सोचे तो यहाँ पे ये ऐड कर सकते हैं www.docs.google.com भी कर सकते थे, या फॉर एग्जाम्पल wordpress.com है तो www वो वेट करो यार. यहाँ पे wordpress.com आ रहा है, राइट? इसको www भी बहुत आराम से कर सकते हैं. ऑल यू नीड टू डू इज यू हैव टू ऐड www ऑन बोथ दीज एरियाज. ठीक है, और फिर वो बस इस तरह आना शुरू हो जाएगा. देयर इज देन अगेन कोई आपको एज नहीं मिलेगा इसको करने से या ना करने से. ठीक है, एंड इफ यू स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पे टाइम जोन आ रहा है, वो आप अपना सेट कर सकते हो एंड कीप थिंग्स एज इज, या आपको अपना टाइम जोन चेंज भी करना तो कर सकते हो, लेकिन डू नॉट चेंज दिस. आई मीन इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जस्ट आपकी वेबसाइट, एक आपको पता होता है कि आपकी वेबसाइट का जो वीक स्टार्ट होगा वो कब से स्टार्ट होगा, तो विच इज मंडे ऑन दिस. तो बाकी चीजें तुम लोग को सेम रखनी है. मीडिया सेटिंग्स, अच्छा मीडिया सेटिंग्स में कुछ चीजें मैं तुम लोग को समझा देता हूँ. मीडिया सेटिंग्स में जब तुम लोग जाते हो, ये बात याद रखना कि कोई भी पिक्चर जो तुम लोग अपलोड करते हो वर्डप्रेस पे, here's the media settings, right? कोई भी पिक्चर जो तुम लोग अपलोड करते हो वर्डप्रेस पे, उसके बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस तीन साइजेस बना देता है, 150 by 150, 300 by 300 and 1024 by 1024. Let's suppose तुम लोग ने कोई पिक्चर ऐड करी जो कि 2000 by 2000 पिक्सल की है, तो वर्डप्रेस उसके ये तीन साइजेस ऑटोमेटिकली और बना देगा. ठीक है, अब एक और बात कर लेते हैं. लेट्स सपोज आपने कोई पिक्चर ऐड करी जो 480 by 480 पिक्सल्स की थी, ठीक है, तो इट्स लाइक बिटवीन मीडियम साइज एंड लार्ज साइज जो कि यहाँ पे कहीं आता है, सही है? तो वर्डप्रेस उसका 1024 by 1024 की इमेज नहीं बनाएगा. उसका रीजन ये है कि वर्डप्रेस नोज कि अगर वो बनाता है तो वो उसको बेसिकली पिक्सलेटेड कर देगा और ज्यादा स्ट्रेच करके. तो इस वजह से बाई डिफॉल्ट सम स्मॉल इन्फॉर्मेशन दो, बट आई थिंक यू गाइस शुड नो. तो जो भी इमेज ऐड करो अपनी वेबसाइट पे, उसके लिए एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ और एक चीज बता भी देता हूँ. एक बात का ख्याल रखना कि इमेज की जो डायमेंशंस हैं वो बहुत अच्छी हो, नंबर वन. नंबर टू, जो भी इमेज तुम लोग अगर किसी साइट से उठाते हो, वैसे तो किसी साइट से उठाने की जरूरत नहीं है, कोशिश करो कि तुम लोग अमेजोन से उठा रहे हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग लेट्स सपोज कोई ब्लॉग लिख रहे हो और उसमें कोई बंदा बैठ के कोई तुम्हारा प्रोडक्ट यूज कर रहा है और तुम लोग ने कहीं इंटरनेट से ऐसी उठाई है, तो यू कैन नॉट यूज दैट. बट देयर इज अ वे जो आप मेरे ख्याल से गूगल पे कर सकते हो. वेट, लेट मी जस्ट सर्च फॉर इट क्विकली, अगर मुझे याद है. जस्ट गिव मी अ सेकंड. You have to go in images, I think, and then after images, I think आपको रुको यार, usage rights, ठीक है? Non-filtered by license, labeled for reuse and with modification. इसके ऊपर क्लिक करो. तो ये वो images है जो तुम लोग freely use कर सकते हो, ठीक है? So, labeled for reuse with modification, plus तुम लोग इसमें editing भी कर सकते हो. This is not known by a lot of people, even though ये बहुत छोटा सा option है,
लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है? सो यार एक मिनट रुकना यार, ठीक है? एक ये चीज याद रखना, और मैं तुम लोग को बताऊं, ये जो ऑप्शन तुम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हो, ये बेसिकली वो, ये वो ऑप्शन है जो कि जो हार्डकोर डिजाइनर्स होते हैं यूजली उनको पता होता है, नॉर्मली जनरल पब्लिक को नहीं पता होती, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ताकि ये सिर्फ, इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्लॉगिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट कि अगर आप लोग कोई और काम कर रहे हो और आप लोग को इमेजेस की जरूरत पड़े तो आप लोग इसमें जाके देख सकते हो, बिकॉज दीज आर द इमेजेस विच आर लेबल्ड फॉर रीयूज विद मॉडिफिकेशन. ओके, सो क्रिएटिंग कॉन्टेक्ट अस पेज. सो फर्स्ट, अब यहाँ पे मैं जरा कुछ बता देता हूँ, इट इज डन मोर लेस द सेम वे जैसे आपका जो है शॉपिफाई पे होता है, लेकिन खैर शॉपिफाई पे ट्रैकिंग वाला सिलसिला ऐसे होता है जैसे इसमें कॉन्टेक्ट फॉर्म पे होता है. फर्स्ट यू नीड टू इंस्टॉल द प्लग इन विच इज नोन एज कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, ठीक है? दिस इज अ वेरी ओल्ड प्लग इन, वेरी फेमस प्लग इन, इट्स रियली ईजी टू क्रिएट वन. सर्च फॉर इट इन प्लग इन, एंड वंस यू हैव सर्च्ड इट फॉर दिस पर्टिकुलर प्लग इन इन द प्लगइन सेक्शन, प्लीज अपनी आप लोग प्लीज वीडियो ऑफ कर दें जी. तो उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू इज, एंड मैं आप लोगों को दिखा देता हूं एक बार करके, व्हाट यू नीड टू डू इज प्लगइन्स में गए, एड न्यू पे गए, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है, इंस्टॉल करके एक्टिव कर दो इसको. एक्टिव करने के बाद यू हैव टू गो इन इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, सर्च फॉर कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 यहां पर, ठीक है? ये पहले से एक्टिवेटेड होगा, नहीं हो तो एक्टिवेट कर देना, डीएक्टिवेट नहीं करना. सेटिंग्स पे जाओ, सेटिंग्स पे जाने के बाद कॉपी दिस कोड, ठीक है? कॉपी दिस कोड एंड देन कीप इट, मतलब कॉपी, डू नॉट कॉपी समथिंग एल्स while you have this, ठीक है? उसके बाद pages पे जाओ और add new page, मैं भी दिखा देता हूँ तुमको. pages पे जाओ, create a new page करो, add new page. जब add new page करोगे, title सिर्फ ऊपर ये लग दो, contact us, ऐसे नजर आएगा तुम लोग को जब new page create करोगे, बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगा, बस ऊपर contact us लिख दो. contact us लिखने के बाद नीचे जाओ और ये code डाल दो, इसको छोड़ दो, नीचे क्या आया हुआ है, ignore this, ठीक है? बस सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को करना है ये कि ये कोड इस तरह डाल देना है, खत्म, ठीक है? अपडेट करो, और प्रीव्यू चेंजेस कर दो. तो तुम लोग देख सकते हो यहां पे तुम लोग का पूरा कॉन्टेक्ट अस आ गया. अब सवाल ये उठता है कि मुझे ये कॉन्टेक्ट तो कर रहा है, लेकिन मुझे कॉन्टेक्ट कर कहां रहा है, ये मुझे कॉन्टेक्ट कहां कर रहा है, ये मुझे कॉन्टेक्ट यहां कर रहा होगा, सेटिंग्स जनरल, ये मुझे यहां कॉन्टेक्ट कर रहा होगा जो मेरी ईमेल एड्रेस डाला हुआ है, सही है? तो अगर तुम लोग चाहते हो कि यहां ना आए तो कहीं और आए तो वहां डाल दो. और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो बाद में बीबीसी में जाएगी, तो बहुत सारे लोग मुझे पता है जो ना ईमेल करना शुरू कर देंगे और स्पैम शुरू कर देंगे, जो कि हो चुका है बहुत अरसे से, तो ये करने का फायदा नहीं है कुछ भी, बिकॉज मैं आप ऑफिशियली इस ईमेल को यूज भी नहीं कर रहा, ठीक है? तो सो दैट्स हाउ यू सपोज टू डू इट. मतलब बस ये बात दिमाग में रखना कि जो भी तुम लोग के पास फिर ईमेल जा रही होगी, वो फिर तुम लोग के अपने ईमेल में आ रही होगी. एक मिनट गाइस, ठीक है? और अब आ जाते हैं, दिस इज हाउ, एंड आई थिंक इसमें मुझे कुछ और भी बताना था. कॉन्टेक्ट अस, हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग कॉन्टेक्ट अस वाली एरिया. गाइस, ये चीज जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आपकी वेबसाइट थोड़ी भी मशहूर होना शुरू होती है ना, तो आप लोग को बहुत सारी स्पैम ईमेल्स आना शुरू हो जाती है. टू अवॉइड दो स्पैम ईमेल्स, व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू गो इन टू प्लगइन्स अगेन, और प्लगइन्स में जाने के बाद थोड़ा सा तुम लोग को खुद से ये सीखना पड़ेगा, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत सिंपल है. सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में जाने के बाद कॉन्टेक्ट फॉर्म 1 के ऊपर होवर करो तो एडिट आ रहा होगा, एडिट दबाओ. एडिट पे जाने के बाद
एक मिनट रुकना यार, यहाँ पे रिकैप्चर आ रहा होता था। चेकबॉक्स एक मिनट, आई थिंक देव मूव्ड, यहाँ पे बेसिकली रिकैप्चर आ रहा होता था एंड आई देन अगेन मेरे ख्याल से इन्होंने अपडेट करा है तो उन्होंने ये चेंज कर दिया, नहीं तो दिस वाज एक्चुअली यहीं पे, ये जैसे तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे ये आ रहे हैं, यहाँ पे रिकैप्चर आ रहा होता था कहीं पे, लेकिन दे हैव, आई थिंक दे हैव मूव्ड इट। सो बेसिकली दे ऑफर यू के आप जो है बेसिकली रिकैप्चर जो है ना ऑन कर दो, इट्स लाइक अ टिक, यहाँ पे एक टिक आ जाएगा एंड यू हैव टू क्लिक ऑन इट और उसके बाद जाके आप सेंड कर सकते हो। तो दिस इज फ्रॉम सो दैट इट कैन प्रिवेंट बॉट्स फ्रॉम ईमेलिंग यू स्पैम मैसेजेस एंड ऑल दैट, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी नजर नहीं आ रहा, आई विल इंक्लूड दैट बट इट्स जस्ट सो दैट यू गाइस नो, और अगर तुम लोग खुद से एक्सप्लोर करना चाहो, इट इज इन हेयर समवेयर, ठीक है, unfortunately since they have moved it so I have to recapture ye again integration contact mein ab inhone move kar diya basically so contact mein jaane ke baad integration aur integration pe click karne ke baad setup integration pe pe click karna hoga for recapture and phir ye tum log ko setup karna hoga for details and you have to follow the instructions over here ye bahut simple instructions hai jab tum log main phir se dikha deta hu कॉन्टैक्ट पे गए उसके बाद इंटीग्रेशन पे गए इंटीग्रेशन पे जाने के बाद रीकैप्चर पे क्लिक करा रीकैप्चर पे क्लिक करने के बाद फॉर डिटेल सी रीकैप्चर वर्जन 3 के ऊपर क्लिक किया वर्जन 3 पे जाने के बाद मैं आगे से नहीं बता रहा दीज आर ऑल द स्टेप्स प्रोवाइडेड और बहुत ईजी है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है इट्स रियली ईजी ठीक है ये स्टेप्स तुम लोग को फॉलो करने और ये तुम लोग को साइट की एंड सीक्रेट की डालनी होगी और उसके बाद दैट्स इट इट्स डन बट वन मोर थिंग तुम लोग को उसी ईमेल पे बनाना होगा रिकैप्चर अपना जिस पे तुम लोग ने अपनी जनरल में अपनी जो ईमेल प्रोवाइड किया हुआ वरना ये काम नहीं करेगा ठीक है तो ये बात दिमाग में और रखना अबाउट अस पेज सो रिगार्डिंग अबाउट अस पेज देयर इज नो साइंस बिहाइंड इट कि मैं इसमें आपको ये इस तरह एसईओ और इस तरह कीवर्ड यूज करने इनफैक्ट द ओनली थिंग यू नीड टू फोकस ऑन व्हेन इट कम्स डाउन टू अबाउट अस पेजेस दैट यू हैव टू कीप इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड रीडेबल एंड दैट हूएवर इज कमिंग टू योर वेबसाइट वेदर इट इज एन एफिलिएट मार्केटर जैसे हम लोग हैं सही है या कोई बंदा है जो कस्टमर है यू हैव टू मेक इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर एफिलिएट मार्केटर है तो वो पढ़े वो इंस्पिरेशन ले और होगा कस्टमर आ रहा है तो उसको पता हो कि यार जो बंदा मुझे इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और शायद हो सकता है कि उसको बुलशिट लग रही हो सकता है सो जस्ट सो दैट ही वांट्स टू कंफर्म दैट वेदर और नॉट यू हैव द राइट नॉलेज दे वुड और माइट कम टू योर अबाउट अस पेज एंड रीड अबाउट यू सो इन ऑर्डर टू कीप इट वेरी सिंपल एंड टू द पॉइंट यू कैन आई हैव क्रिएटेड दिस शॉर्ट फॉर्मेट फॉर यू एंड यू कैन फॉलो दिस एज इज ठीक है टाइटल एंड दिस इज लाइक जो टाइटल अगर मैं रखना चाहूँ तो फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा वाई आई क्रिएटेड दिस वेबसाइट सही है तो देयर यू गो स्पॉट ऑन तुम लोगों ने बात डायरेक्टली जो ना मेन पॉइंट से स्टार्ट करी है वाई यू हैव क्रिएटेड दिस वेबसाइट सो कस्टमर्स हु आर रोलिंग इन एंड वॉन्ट टू सी दैट वाई योर कॉन्टेंट क्वालिफाइज और गिव्स यू द अथॉरिटी टू राइट अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक सो दे आर नाउ दे नो कि यार ये पढ़ने के बाद मुझे समझ आ जाएगा यू कैन एड योर नेम इफ यू वॉन्ट टू एड अ फोटो यू कैन डू दैट और यू कैन इग्नोर दैट एंड However, occupation add करी mother of two for example, fitness enthusiast हो तो वो add कर दिया college kid हो तो वो add कर दिया knowing a little more about you helps people relate helps people relate to you better. It's not related, it's relate. ठीक है And then you can add a couple of more things over here and there like why have you created this website, statistics, facts, a store, short story. कि what inspired you क्या हुआ exactly why did you come into this what makes you or qualifies you that मतलब that gives you the authority to write about a particular topic and the purpose of this website कि क्या है तो
you write all about that and just don't keep it to के बहुत ज्यादा मार्केटिंग टाइप मैसेज लिख दिया मैंने ये इस वजह से करा हुआ है ताकि मैं जो ना इस पे पैसे कमा सकूं ये कर सकूं वो कर सकूं. डोंट राइट ऑल अबाउट दैट. ठीक है, राइट ये लिखो कि व्हाई आर यू सो पैशनेट अबाउट दिस टॉपिक एंड क्यों लिखना स्टार्ट करा. सही है, सो दैट पीपल डू नॉट ट्रीट यू लाइक वन. एंड अगर तुम ये लिखोगे कि मैंने इस वजह से करा है ताकि मैं अच्छे पैसे कमाऊं, मेरी किचन इनकम जो है $500 तक पहुंच जाए, तो वो उसी वक्त बंद करके चले जाएंगे. सही है, तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है. और फिर आखिर में जो तुम लोग का कॉन्टैक्ट फॉर्म का कोड था वो ऐड डाल दो, ताकि इट गिव्स अ मोर रियल काइंड ऑफ इम्पैक्ट. कि मतलब एक चीज को एक बंदे ने एक मैसेज पे एंड करा, हो सकता है वहां पे कोई तुम्हें अप्रिशिएट करे तो वहीं से जो है ना तुमसे कॉन्टैक्ट में आना चाहे या कुछ करना चाहे, या हो सकता है कि कोई तुमसे वहीं से बात करना चाहे, बोले कि प्लीज हमें बैक लिंक चाहिए, हम भी आपको बैक लिंक देंगे, तो इट मे बेनिफिट यू. तो जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, I've done the exact, I've actually copy paste the whole thing. ठीक है, तो preview changes. सही, it is the exact same thing जो मैंने तुमको दी, और आखिर में जो है ना वही contact form का code. ठीक है, तो आखिर में वो तुमसे contact कर सकता है. Keep it the same way, exact same way. ठीक है. Second. And then once you're done with that, let's come to the privacy policy generation. And all you need to do is you have to visit this website. And I don't know why it isn't opening up. Policy. खुल गया. सही है, तो यहां पर आओ. ये इनफैक्ट तुम लोग की अपने शॉपिफाई के स्टोर के लिए और दूसरी साइट्स के लिए भी काम आ सकता है. प्राइवेसी पॉलिसी लिखी लिखने के लिए आएंगे. सही है, प्राइवेसी पॉलिसी के पेज के ऊपर आए, नीचे स्क्रॉल करा, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, टर्म्स एंड कंडीशंस जनरेटर, डिस्क्लेमर जनरेटर, ब्लॉग व्हाट नॉट. सही है, और जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर क्लिक करा. यहाँ पे आने के बाद एंटर योर वेबसाइट नेम एंड विच इज योर वेबसाइट नेम एंड नथिंग एल्स, बेस्ट मैट्रेसेस for example online, just saying. ठीक है, if that is your website name, ठीक है, best mattresses online, और and आप exact phrase match or exact match avoid करना है तो keep it whatever you want. लेकिन for example मेरी website का नाम है FlexFiverr, मेरी website का नाम है, just and make sure कि आप उसको बिल्कुल उस तरह लिखो जिस तरह आप चाहते हो कि इंडिविजुअली आपका नाम पूरा कैसा है. नेक्स्ट, डू यू यूज कुकीज? यस, यू ऑल ऑफ यू गाइस आर यूजिंग कुकीज. चाहिए कुछ आप लोग इंफॉर्मेशन सेव कर रहे होगे, हो सकता है कल को फॉर एनी रीजन आप लोग यूज कर रहे हो जो भी फॉर रिटारगेटिंग और व्हाटएवर. चाहिए, लेकिन यस यू विल बी यूजिंग कुकीज. डू यू शो एड्स थ्रू गूगल एडसेंस? And that is, let me tell you something over here. When we talk about using Google AdSense, ठीक है, Amazon इजाजत नहीं देता कि आप उनके affiliate link use करके ads चलाओ, क्योंकि Amazon खुद ये काम करता है. आप उनके affiliate link को use करके ads नहीं चला सकते. अलबत्ता आप अपना link website का use कर सकते हो, जो blog आपने create करा हुआ है, और उसको advertise कर सकते हो on Google AdSense और Facebook ads. लेकिन Amazon खुद स्ट्रिक्टली मना करता है कि हम आपको ना देखें कि आपका एफिलिएट लिंक Facebook एड्स या Google एड्स पे चल रहा है. तो मतलब आई एम जस्ट गोइंग टू मार्क दिस नो बिकॉज आई डोंट इंटेंड टू डू दिस, तो मैं इसको नो कर रहा हूँ. डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टीज? नो. ठीक है, एंड देन आपने अपना कंट्री यहाँ पे डाला, स्टेट डाला, सिंध. नेक्स्ट, एंड देन योर ईमेल एड्रेस विच इज क्रिएट प्राइवेसी पॉलिसी. अच्छा, अब होगा क्या, ये तुम्हें प्राइवेसी पॉलिसी दो तरह से बना के दे देगा. एक राइट हैंड साइड पे किस तरह दिखेगा, ठीक है, और एक लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा HTML कोडिंग के साथ के कैसा आना चाहिए. तो इसके लिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट पे वापस जाओ. वेबसाइट पे वापस जाने के बाद पेजेस पे जाओ. पेजेस पे जाने के बाद
प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करो अगर नहीं बनी भी, और अगर बनी भी है तो एडिट करो। एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास विजुअल, और यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है, विजुअल और टेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास विजुअल एडिटर है और टेक्स्ट एडिटर है। हर चीज के लिए हम विजुअल एडिटर यूज करते हैं, लेकिन फॉर दिस वंस क्योंकि हमारे पास HTML कोडिंग मौजूद है, तो हम टेक्स्ट वर्जन पे जाएंगे और इस पूरी प्राइवेसी पॉलिसी को हम लोग एज इज पेस्ट कर देंगे। और जैसे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये रहा, यहां पे आया था, ठीक है, इसको कॉपी करोगे और टेक्स्ट में जाके इसको एज एस पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद, उसके बाद यहां पे मैंने लिखा हुआ है रिमेंबर टू रिमूव प्राइवेसी पॉलिसी ऑनलाइन.com बैक लिंक्स ऑफ ऑफ योर प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटेड। तो इन्होंने बैक लिंक्स प्रोवाइड करे हुए ताकि इन लोग की और ज्यादा रैंकिंग ऊपर जाए। तो यू रियली नीड टू डू दिस, एंड टू बी एबल टू डू दिस, पहले तो मैं तुम लोग को एक बार चेंजेस दिखा देता हूं जो भी हैं। अच्छा, मैंने वैसे ही रिमूव, अच्छा ये रहे, ठीक है। यू मे कंसल्ट द लिस्ट और टू फाइंड, यू मे कंसल्ट लिस्ट टू फाइंड प्राइवेसी पॉलिसी फॉर रीचिंग फॉर ईच ऑफ आवर एडवर्टाइजिंग पार्टनर्स टू फिक्स फाइबर। आवर प्राइवेसी पॉलिसी वॉज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ फ्री एरर, ऑफ जो भी आगे बात लिखी है, ठीक है। तो तुम लोग सिंपली ये करो, इसको हटा दो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Just remove this part and update. ठीक है, so that's that. ठीक है, अच्छा, now moving on. Privacy policy is done. Now adding affiliate disclosure. And now let me tell you guys something. Affiliate disclosure जो होता है ना, वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, और अगर आप लोग उधर जाओ 10beast.com पे, तो affiliate disclosure इनके पास भी लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आप चाहो इसको एज अ पेज ट्रीट करो, दैट इज टोटली अप टू यू, लेकिन मैंने क्या करा है, मैंने हर पेज पे affiliate disclosure डाल दिया। And how do you do that? Either you can just add affiliate disclosure, और फिर उसको footer में add कर दो, one way is that, and there are multiple other ways too. And दूसरा तरीका क्या है कि मैंने क्या करा है कि मैंने हर पेज के footer में मैंने automatically affiliate disclosure एक छोटा सा यहाँ पे डाल दिया, and that does it. Now Amazon does not tell you to add affiliate disclosure on each page, and we want to see it on each page. You can just add जैसे अबाउट अस कॉन्टेक्ट, ऐसे वैसे एफिलिएट डिस्क्लोजर डाल दिया, लेकिन आई फील लाइक मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखा हुआ एफिलिएट डिस्क्लोजर और यहीं पे बंदा फौरन से पढ़ ले इजीली, और अमेजोन की साइट से कोई आता है आप लोग की सारी चीजों को देखने के लिए कि सारी इन कंप्लाइंस है या नहीं है, तो सही ये सामने ही लिखा हुआ है तो वो समझ जाएगा, ठीक है, मेरे ख्याल से इसने हर पेज पे ऑटोमेटिकली एड कर दिया। तो द इजिएस्ट वे टू डू इज गो इन अपीयरेंस एंड देन क्लिक ऑन कस्टमाइज, और जस्ट क्लिक ऑन थीम्स एंड देन अपनी थीम ढूंढ के कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करो। तो आई विल जस्ट गो एंड कस्टमाइज़ डायरेक्टली। कस्टमाइज़ पे जाने के बाद गो इनटू विजेट्स एंड देन वी हैव फुटर साइड बार फर्स्ट, साइड बार सेकंड एंड साइड बार थर्ड। सो व्हाट आई हैव डन इज दैट इफ यू वांट इट टू अपीयर ऑन द साइड बार थर्ड, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन साइड बार थर्ड ऑन द फुटर, एड अ विजेट एंड विजेट का नाम हो टेक्स्ट, एंड इसको क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे, हेडिंग रखो और जो भी पूरा तुम लोग का डिस्क्लोजर है वो यहां पे रखो और पब्लिश कर दो, दैट इज इट। हर साइट, हर पेज के फुटर में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्योंकि मैं अभी यहाँ पे फुटर वाले सेक्शन में आया हुआ हूं, तो मैं इसके साथ ही जो चीजें मुझे नहीं अभी फॉरन कवर करनी थी वो कर लेता हूं। इसी तरह साइट नेविगेशन कुछ लोग रखते हैं अपने पहले, मतलब ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड कुछ लोग लोगो रखते हैं, और आप चाहो तो दूसरी साइट्स को कॉपी कर सकते हो कि यहाँ पे पूरा आपने जो ना वो बताया हुआ 10beast.com इज पार्टिसिपेंट इन व्हाटएवर दैट इज, वैसे एक तरह से इन्होंने भी अपना वो सारी डिटेल्स दी हुई है, इस तरह की चीज तुम लोग लिख सकते डाल सकते हो। और प्लस अगर तुम लोग चाहते हो तो अपनी साइट का नेविगेशन डाल सकते हो, विच इज अबाउट कॉन्टेक्ट,
इनका नेविगेशन, वेट, इनका नेविगेशन डाल सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा कस्टमाइजेशन कर सकते हो. और जो सेकंड में है जो कि बेसिकली द इन्फो, वहां पे तुम लोग को एग्जैक्टली सेम वे में करना है कि एड अ विजिट करना है, पेजेस करना है, सही है, पेजेस यहाँ पे ऐड करने. जैसे ही पेज ऐड करोगे, सारे पेजेस तुम्हारे ऑटोमेटिकली लिस्ट डाउन हो जाएंगे ऑन द सेकंड साइड बार, ऑन फुटर साइड बार सेकंड. सिर्फ तुम लोग को नाम देना होगा. अब एक चीज गौर करना, जब तुम लोग फुटर के में जब तुम लोग पेजेस डालोगे ना, तो सारे पेजेस आ जाएंगे. अब याद करो, मैंने तुम लोग को एक होम पेज बनवाया था, होम बनवाया था, होम पेज, एक पेज बनवाया था बेसिकली होम के नाम से, जो कि हम लोग ट्रीट कर रहे हैं एज द फ्रंट पेज ऑफ योर वेबसाइट. अब हम लोग उसको एज अ फ्रंट पेज ऑफ योर वेबसाइट क्यों ट्रीट कर रहे हैं, उसके ऊपर बाद में आऊंगा मैं. अभी फिलहाल अगर मैं इस एक्सक्लूड 18 को हटाऊंगा तो देखना क्या होगा, यहां पे ऑटोमेटिकली होम आ जाएगा, एंड वी डू नॉट वॉन्ट टू इंक्लूड होम. ठीक है, वी डू नॉट वॉन्ट दैट. तो इन ऑर्डर टू क्रैप, मैं पता से In order to remove home, आपको इसका पेज आई डी पता होना चाहिए 18. अब आपको कैसे पता चलेगा पेज आई डी, मैं यहाँ पे पहले 18 लिख देता हूँ, ऑटोमेटिकली होम यहाँ से क्लियर हो जाएगा. बहुत आसान जुगाड़ू तरीका बता देता हूँ ताकि तुम लोग को याद रहे. अभी यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ मैं, पब्लिश. जो जो मतलब सपोज यहाँ पे कुछ और भी, यहाँ पे कोई ऐसा क्रैप हो जो तुम लोग चाहते हो कि नहीं यार ये मैंने पेजेस में डाला था वो हट जाए, उसका ईजी तरीका है, पेजेस में हर किसी का एक नंबर होता है. इस पेज का जो वो है ना आईडी, वो है 22, पोस्ट इज इक्वल टू 22. ये आईडी लो और सिंपली वहां जाके डाल दो, तो वो वाला जो आपका नेविगेशन में जो मेन्यू होगा वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा. पेजेस में आया हूं ना मैं, उस पेज जो भी पेज है आपका उसके ऊपर क्लिक करो. जैसे प्राइवेसी पॉलिसी पर हूं, यहाँ पर 22 है, उसका 18 था, 18 मैंने डाला, ऑटोमेटिकली होम हट गया. और एड करने 18 कॉमा और फिर और बाकी नंबर एड करते जाओ. एंड आई हैव टू स्टॉप द वीडियो अगेन. ठीक है, तो that's that. ये बात याद रखना. I think ये easy है, तो इस वजह से मैंने इसको इस तरह add कर दिया. And I feel के हर page के ऊपर, I feel के मैं खुद prefer करूँगा कि हर page के footer में automatically add हो जाए. और it's just so that an extra precautionary option that you can go with, के just so that you can keep it extra safe. ठीक है. And social share buttons. And I have to delete this slide. Social share buttons ke liye, it's really easy. And you want it so that you can, your content can build up, automatically build up more backlinks automatically. If someone likes your website or content, they can just share it with their friends directly. Theek hai? In order to do this, you have to install a plugin and search for social share button. And please avoid plugins that are untested with the version of WordPress. So automatically, when you search a plugin, search karte ho, to wahan pe bottom pe likha hua jata hai, compatible with your version of WordPress, untested with your version of WordPress. Which are untested, do not opt in for those, even if they're, I mean, it is up to you, but I do not go with it because at times, aapke version of, agar WordPress ke saath wo compliant nahi hota, ya, टेस्टेड नहीं होता, तो फिर उसमें बग्स आ सकते हैं, इश्यूज आ सकते हैं, और एट टाइम्स वो आपको अननोन नहीं होते, लेकिन आपके कस्टमर के एंड पे वो बग्स नजर आ रहे होते हैं. सही है, तो इफ इट्स अनटेस्टेड, डू नॉट गो विद इट, जस्ट ऑप्ट इन विद द कंपैटिबिलिटी, जो आपके साथ आपके वर्डप्रेस के वर्जन के साथ कंपैटिबल हो, जहां पे टिक लगा हुआ हो, और जस्ट मेक इट एक्टिव, एंड वो आपको ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट पेज के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, जो भी आप ब्लॉग वगैरह डालोगे. ठीक है, एंड लास्टली आई थिंक इट्स द लास्ट वन, नहीं सेकंड लास्ट, मेन्यूज. अच्छा, अब मेन्यूज पे आ जाते हैं. ये सेकंड लास्ट हमारा आज का टॉपिक है, जो कि अब है क्या. मेन्यूज आर बेसिकली द सेम वे जैसे मैंने तुम लोग को नेविगेशन पढ़ाई थी शॉपिफाई के ऊपर. ठीक है, अपीयरेंस पे आने के बाद मेन्यूज पे अगर तुम लोग जाते हो, तो बेसिकली अगर तुम लोग इस साइट के ऊपर आओ, तो इस साइट का मेन्यू अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी है. ठीक है, अब तुम लोग के मेन्यूज साइलोज की तरह ट्रीट कर रहे होगे तुम लोग. वहां पे तुम लोग बेस्ट मैट्रिसेस और जो भी तुम लोग के साइलोज क्रिएट हो, उस लिहाज से क्रिएट करोगे. इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, अभी फिलहाल तुम लोग को एक जस्ट गिव यू द जिस्ट ऑफ इट. लेट्स सपोज तुम लोग की तीन मेन
एक मिनट रुकना, कैटेगरीज बनी हुई है और हर कैटेगरी के नाम से तुम लोग ने एक जो साइलो एक तरह से ट्रीट हो रहा है. एयर मैट्रिस तुमने एक मेन्यू रखा, फोम मैट्रिस एक रखा, एंड ट्विन मैट्रिस एक रखा. ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे बल्कि बना देता हूँ. सबसे पहले तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग क्रिएट न्यू मेन्यू करोगे. ठीक है, सो यू जस्ट क्रिएट अ न्यू मेन्यू. आफ्टर यू क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू मेन्यू, जैसे ही क्रिएट करोगे इस तरह बिल्कुल क्लियर, एक बिल्कुल साफ शफाफ एक सामने नया आ जाएगा और तुम लोग को उसको एक नाम देना पड़ेगा. अच्छा, अब टॉप मेन्यू मैंने क्यों नाम दिया भाई, ये नाम तुम लोग को देना जरूरी है. टॉप मेन्यू, बॉटम मेन्यू और मिडिल मेन्यू, व्हाटएवर दैट इज, बिकॉज एट टाइम जब आप लोग के पास मल्टीपल एरियाज में ऑप्शन होते हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, टॉप पे मेन्यू रखते हैं, फिर साइड बार मेन्यू भी रखते हैं और फिर बॉटम पे भी मेन्यू रखते हैं, तो आप लोग को ना पता होना चाहिए कि आप कौन सा मेन्यू यूज कर रहे हो. और एट टाइम्स आप कुछ चीजें ऑप्ट इन करते हो किसी साइड बार मेन्यू में जो कि मेन मेन्यू में नहीं होती, और कुछ आपकी थीम्स ऐसी होती है जिसमें डबल मेन्यूज आ रहे होते हैं टॉप पे, कि एक जो स्टैटिक मेन्यू होता है टॉप पे और फिर जब आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो एक और मेन्यू शो अप हो जाता है, तो आप डिफरेंट भी रख सकते हो. तो जस्ट सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट, कीप द नेम स्पेसिफिक नेम्स ऑफ ईच टाइप ऑफ मेन्यू. अब आपने रखा टॉप मेन्यू, तो टॉप मेन्यू रखा पहला ये नाम रखना होता है, उसके बाद आप सेक्शन ऐड करते हो उसमें. ठीक है, तो लेट्स सपोज मैंने ये तीन एरियाज ऐड कर दिए, मोस्ट रिसेंट में थे और पेजेस में आ रहे थे, तो मैंने इसको ऐड कर दिया. और मैं साथ में कैटेगरीज भी ऐड कर सकता हूँ, तो यहाँ पे ट्विन मैट्रिक्स आ रहा है, व्यू ऑल पे जाऊंगा तो एयर मैट्रिक्स, फोम मैट्रिक्स और ट्विन मैट्रिक्स आ जाएगा और मैं इनको ऐड कर दूंगा, तो ये आ गए. अब मैं बोलता हूँ कि यार एयर मैट्रिक्स तो सही है लेकिन ये हाइफन बीच में बुरा आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा. सही है, एयर मैट्रिक्स. ठीक है, और सिमिलरली फोम मैट्रिक्स के साथ भी यही करूंगा और इसके साथ भी यही करूंगा. अभी मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सो जस्ट फॉर द सेक, एक सेकंड प्लीज होल्ड कीजिएगा, मेरे पास किसी की बहुत इंपॉर्टेंट कॉल. तो अब आप लोग जैसे देख सकते हैं कि एयर मैट्रिक्स यहाँ पे आ रहा है और मैंने यहाँ पे ये अब सेव करूंगा मेन्यू, तो यहाँ पे पहले हमारे पास फोम मैट्रिक्स और ट्विन मैट्रिक्स भी मैंने ऐड कर दिया और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो लेट्स सी अब क्या आता है. हमारे पास बाकी एरियाज भी आ गए. ठीक है, तो अब एयर मैट्रिक्स है कैटेगरी, हमने वहां यहाँ पे ऐड कर दी है. और अगर मैं बोलता हूँ नहीं यार एयर मैट्रिक्स के अंदर फोम मैट्रिक्स और ट्विन मैट्रिक्स है, विच इज ऑब्वियसली नॉट द केस, बट जस्ट फॉर द सेक के आप लोग को दिखा सकूं हाउ दिस वर्क्स, विच इज वेरी इजी, यू हैव टू ड्रैग फोम मैट्रिक्स एंड हल्का सा जो है ना उसको लाइक एयर मैट्रिक्स के नीचे लेके जाओ और आगे की तरफ कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी कैटेगरी बन जाएगी. व्हेन आई सेव दिस एंड रिफ्रेश दिस, तो आप देखोगे कि वो गायब हो गया और एयर मैट्रिक्स के अंडर जो है फोम मैट्रिक्स आ रहा है. ठीक है, सो इट इज एज इजी एज दैट. और तुम लोग को ये पता चल गया. और वन मोर थिंग, यू हैव टू मेंशन इट कि ये आपका प्राइमरी मेन्यू है कि नहीं है, एंड प्राइमरी मेन्यू हमेशा यहाँ आ रहा होता है, तो व्हेन आई टेक दिस सेव दिस तो ये ऑटोमेटिकली प्राइमरी मेन्यू बन जाएगा. लास्टली ऑटो ऐड पेजेस, तो अगर मैंने कोई पेजेस ऐड करते रहता हूँ वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, एंड यू डोंट वॉन्ट दैट बिकॉज बहुत मेसी हो जाता है. अगर कल को आप कोई रेलिवेंट पेजेस कहीं और डिस्प्ले करना चाह रहे हो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी ऐड होते जाएंगे, तो डू नॉट टिक क्लिक ऑन दिस और टिक ऑन दिस. सही है, एंड यू जस्ट आई एम जस्ट गोइंग टू सेव दिस. एंड ये भी देख सकते हो आप लोग के पोस्ट है यहाँ पे. ठीक है, कस्टम लिंक्स है यहाँ पे, कैटेगरीज है यहाँ पे, कस्टम लिंक्स डायरेक्ट कोई लिंक डाल सकते हो चाहो तो. ठीक है, URL डाल दिया किसी और अपनी वेबसाइट का, या जस्ट सपोज google.com, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मैं तुम लोग दिखा सकूं, गूगल डाला, एड टू मेन्यू, ये लोग गूगल बहुत खुश हो गया, बात तुमने मुझे बैक लिंक दे दिया. ठीक है, और सेव मेन्यू करा यहाँ पे, और यहाँ पे आपने रिफ्रेश करा तो गूगल आ गया. ठीक है, सो तो ये हो गया. अब आखिरी बात कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास सिर्फ SEO का कंटेंट आ रहा होगा आज के बाद. वो क्या है, वो ये है कि व्हाई वी यूज स्टैटिक होम पेज इंस्टेड ऑफ डिफॉल्ट होम पेज. इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब आप कोई भी थीम इंस्टॉल करते हो, और अगर आप लोग को याद हो ये मैंने तुम लोग को बताया था टूल्स में जाने के बाद, सेटिंग्स में जाने के बाद, रीडिंग आई थिंक या राइटिंग, एक सेकंड देखने दो, हाँ
यहाँ पे मैंने ये करवाया था, ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता। जब आप लोग कोई भी टेम्पलेट डालते हो तो वर्डप्रेस का डिफॉल्ट जो नेचर होता है वो ये होता है कि कोई भी आप पोस्ट ऐड करते जाओगे, जो भी पोस्ट आप ऐड करते जाओगे वो पोस्ट आपकी वेबसाइट पे लेटेस्ट होता जाएगा और जो पहले का कंटेंट होगा वो नीचे जाचा जाएगा और एक टाइम पे जाके वो शायद गायब भी हो जाए, जहां तक आपकी वेबसाइट सपोर्ट ना करे कि भाई एक पेज के ऊपर बस 50 कंटेंट आ सकते हैं, उसके बाद हम लोग उसको आउटडेट करते जाएंगे या आर्काइव में डालते रहेंगे। दिस इज रियली ग्रेट फॉर अ न्यूज वेबसाइट। यू आर नॉट अ न्यूज वेबसाइट, यू आर एन एफिलिएट वेबसाइट। एंड जैसे 10B का पेज स्टैटिक पेज है, एंड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पेज लाइक दिस व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू क्रिएट अ स्टैटिक पेज। ठीक है, यू हैव टू क्रिएट अ स्टैटिक पेज। ये मैंने अपने एक लेक्चर में बताया था कैसे करते हैं, एंड ट्रीट इट एज अ होम पेज सो दैट यू कैन क्रिएट अ पेज लाइक दिस ओवर हियर। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एफिलिएट पेज, ताकि तुम रेलिवेंसी क्रिएट कर पाओ। अगर तुम लोग के न्यूज वेबसाइट की तरह तुम लोग इसको नहीं करते और तुम लोग न्यूज वेबसाइट की तरह ट्रीट करते हो और नए नए कॉन्टेंट करते रहते हो, तो तुम्हारी जो मेन कीवर्ड्स, जो होम पेज जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज गूगल मानता है, तुम लोग के मेन कीवर्ड्स जो हैं वो नीचे स्क्रॉल डाउन होते रहेंगे और इररेलेवेंट कीवर्ड्स भी जो होंगे हो सकता है वो तुम लोग के मेन होम पेज पर आते जाएं और रेलेवेंसी आउट हो जाए बिल्कुल। तो यू डोंट वांट दैट फ्रॉम हैपनिंग बिकॉज तुम लोग एक एफिलिएट वेबसाइट हो। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दैट एंड दैट्स इट फॉर टुडे। और मैं आप कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ। सर, 2-3 डेज अगो गूगल हैड अ कोर अपडेट एंड नाउ वी कैन If we search in US, then on top position now sponsored ads are showing instead of snippet, and snippet moves to second, third. ठीक है, and that sponsored ads are e-commerce sites with reviews and ratings, and up to 6 SERP positions are occupied by almost e-commerce sites. Our competitor position moved at last or second page. ठीक है, is there any issue for us regarding affiliate sites? Thanks. Okay, just let me check on that. And I'm sure tum galat nahi keh rahe because I know there was an update my friend told me, but I did not get the time to actually go through it. And agar tum log mujhse puchna chah rahe ho ki uska iske upar kya impact hoga, to ye bhi main bata dunga. So in this particular case, मुझे तो ये चीज नजर नहीं आ रही because this is US search engine by default. ठीक है, this is google.com, this is not PK. और मैं इसके ऊपर फिर भी कंडीशन लगा के देख लेता हूँ. And sorry, by default शायद current उस पर हुआ है तो मैं देख लेता हूँ. नहीं, I'm sure तुम सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे, लेकिन मुझे चेक करने दो. चलो वेल आई सी के अभी भी तो आई अग्री टू दिस जो तुम बोल रहे हो कि ये इन्होंने ऐड करा है सेक्शन, विच इज फाइन. ठीक है, एंड इफ यू सी समथिंग, तो इन लोग ने टॉप 16 गेमिंग माइस एंड ट्रैक बॉल्स जो साइट से ही उठा के लिंक कर रहे हैं तो वो उठा के दिखाए हुए, एंड दिस इज ऑल्सो अगेन एन एफिलिएट डिटेल्स अबाउट अ पर्टिकुलर माउस, राइट. एंड इन्होंने चीज भी करी. आई डोंट नो हाउ दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन एग्जैक्ट वे, बट दिस इज अगेन ऑल एफिलिएट कॉन्टेंट जो वेबसाइट से ही आ रहा है. ठीक है, बट आई थिंक एफिलिएट साइट्स आर स्टिल वर्किंग as they were supposed to, क्योंकि ये भी I know this is snippet and these are again affiliate written
ब्लॉग्स, या प्रिटी मच चीजें चेंज हुई हैं. आई एम नॉट सेइंग दे हैवंट चेंज्ड, बट ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी. आप लोगों ने देखा नहीं, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं क्या दिखा रहा था. दिखा रहा हूँ So this is how it is. ये मैंने best gaming mouse भी search करे, best mattresses भी search करे, snippet है उसके बाद, फिर नीचे फिर दो affiliate articles हैं और फिर मजीद affiliate articles हैं. In fact मैं तो ये बोलूंगा कि इसमें affiliate articles का scope और बढ़ गया है जो different और sites ने लिखा हुआ है. Top 16 gaming mice and trackballs, सही है? तो ये different different sites ने लिखा हुआ है किसी चीज के ऊपर, और वो मजीद affiliate websites के through ही आ रहा है, और फिर मजीद नीचे details हैं और फिर videos हैं और सब कुछ है. लेकिन I think it's pretty much there. I mean, ऐसा कोई issue नहीं है. You can still proceed with it. And देखो, impact जो होता है ना इन चीजों का, वो with time पता चलता है, और फिर इसके ऊपर मज़ीद articles और support आती है कि आप किस तरह चीजों को बेहतर कर सकते हो. तो it's too soon to judge. But as I can see, I can still see a number of affiliate articles here and there. ऊपर यहाँ पे रहे, यहाँ पे then there's some down below. और यहाँ पे भी मैं जो देख रहा हूँ, ये देख लो, अगर यहाँ पे आओ तो ये affiliate articles are written by IGN. ठीक है, ओवर रेजर वाइपर माउस, एंड रेजर वाइपर माउस के ऊपर लिखा हुआ है, तो उसने आईजीएन का लिंक ही उठा के यहाँ पे दिखाना शुरू कर दिया है. ठीक है, लेट मी चेक ऑन फ्यू थिंग्स. Affiliate again. नहीं, they are basically affiliate links तो हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है, और टॉप पे भी आ रहे हैं, as you can see over here. ठीक है, and this is a huge keyword itself. तो इस पे I know के ads आने चाहिए, but then again it's okay. I mean, it's something to proceed with still. ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते. चलिए guys. I'm off then. Ouch. I'll just answer your questions. अच्छा, बाकी जो रह गए remaining. I can. Can you do content writing session earlier than planned? Okay, ठीक है. So we can get content writing right now. I plan to do content writing myself. मैं तुम्हें content calendar बनाना सिखाऊंगा. Obviously, I hope you understand that. How can we add value to for our audience on our website, and should we create an email list for marketing? देखो, you can do that. Obviously, जो लोग आएंगे contact में, वो भी तुम उनका email ले रहे होगे. फिर जो लोग तुम्हारी website पे अगर कुछ लिख के जाते हैं, post comment करके जाते हैं, आपको उनको email provide करना होता है. That is up to you. If you're collecting their email, then you can email them as well. Plus, use some external sources for that. That is up to you. But I wouldn't recommend that. I would just ask you to focus on the SEO part itself, because it's nothing wrong. I mean, that is a very good practice. You can do that, like I said. And if affiliate is your main focus, then you should be doing that. But if you're treating it as a secondary source of income, then I would say just focus on SEO for now. Niche selection का कब पता चलेगा? मैंने कब के बता दिया है सारे niche selection का सब कुछ हो गया, सब कुछ done हो गया. एंड मैंने बता भी दिया है सब कुछ, मैंने खुद बैठ के फाइनलाइज करा, और पीएम्स ने भी बैठ के मेरे साथ बहुत हेल्प करी है, थैंक्स टू देम. हाउ कैन वी रैंक ऑन क्वेश्चंस ऑन गूगल पेज? थ्राइव कंटेंट बिल्डर मेक्स अ लैंडिंग पेज, और वी कैन यूज क्रेजी एग फॉर एफिलिएट मार्केटिंग एज आई हैव एक्सेस टू ग्रुप बाय. क्रेजी एग इज यूजली यूज फॉर हीट मैप्स, के आपके सबसे ज्यादा क्लिक्स कहाँ पे हो रहे हैं वेबसाइट पे, एंड how to make your content or the landing page better in terms of customer experience. I think that is it is used for that mainly. I don't know if maine basically bahut use kara crazy egg, but main ye reason raha hai. So I don't know if it's used for other purposes as well, and I'm sure it is. So I don't know about that part. How can we rank on questions on Google page? How can you rank on questions? So I'll have to look into that. ठीक है, I haven't,
But I'll look into that and I'll let you know in the next session. ठीक है गाइस, ओके, आई एम ऑफ देन. आप लोग अपना ख्याल रखिएगा अंटिल नेक्स्ट टाइम, और आप लोग नए सेशंस का पता चल जाएगा. ओके देन, सी यू, अल्लाह हाफिज़.